तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनील क्लोराइड, यानी कि अल्कोहल का थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ केमिकल रिएक्शन कराएंगे, जिसको हम लोग डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। डार्जेंस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे 100% प्योर अल्कोहल, प्योर अल्काइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये प्रोसेस बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और फिर हम पहले इनको मिटाते हैं और हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनील क्लोराइड। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन में हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाना सीखेंगे, वो भी 100% प्योर। देखिए सवाल पूछा जाता है डार्जन प्रोसेस क्या है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि जब अल्कोहल क्या, जब अल्कोहल थायोनील क्लोराइड से पाइरिडीन की उपस्थिति में, पाइरिडीन कैसा होता है भाई जरा चेक करना, ये पाइरिडीन होता है, ये आपका पाइरिडीन है। तो पाइरिडीन और ये बेस होता है, कैसा होता है, बेस होता है। पाइरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 से अल्कोहल जब केमिकल रिएक्शन करता है तो अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस और उसके बाद HCl गैस का निर्माण होता है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस हैं, जब ये दोनों आपस में ये दोनों जब उड़ जाते हैं गैस बन करके, तो केवल और केवल RCl बचता है, यानी कि अल्काइल क्लोराइड बचता है। क्या बचता है, अल्काइल क्लोराइड बचता है और इसलिए केवल इसके बचने के कारण इसमें कुछ भी मिलावट छप नहीं होती है, तो ये 100% प्योर होता है। कैसा होता है, 100% प्योर होता है। तो 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, डार्जन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कन्वर्जन के फॉर्म में भी सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब जरा चेक करिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपका रहा अल्कोहल, रिएक्शन किससे कराया, थायोनील क्लोराइड से, मिला क्या 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड HCl दोनों गैस बन करके उड़ गए। अगर मान के चलिए आपने क्या किया, मीथेनॉल लिया और फिर से SOCl2 से केमिकल रिएक्शन कराया, किसकी उपस्थिति में, पाइरिडीन की उपस्थिति में, जो एक बेस है। अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा। इन शॉर्ट अगर समझाए आपको, इन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, डायरेक्ट मेथड से, अभी मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे लेकिन पहले डायरेक्ट की बात कर लें अगर, तो यहाँ देखिएगा, इसी में आपको समझा देते हैं। फिर इसमें ये हाइड्रोजन और इसमें का क्लोरीन, ये HCl बाहर, ठीक है, फिर से इसमें एक क्लोरीन बचा है, तो एक क्लोरीन यहाँ और उसके बाद O यहाँ बचा है, SO यहाँ बचा है, तो SO और O SO2 बन करके गैस के फॉर्म में बाहर, ये आपका प्योर अल्काइल क्लोराइड बन गया। यहाँ भी वही चेक करिए, एक क्लोरीन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, माइनस HCl हो जाएगा गैस के फॉर्म में, तो ये हो गया HCl और कैसा भाई, गैस के फॉर्म में। अच्छा उसके बाद एक बात बताइए, यहाँ है SO और फिर यहाँ है O, तो आपका मिला क्या SO2, वो भी कैसा, गैस के फॉर्म में, ठीक है। अब जरा बताइए, यहाँ एक क्लोरीन बचा है, यहाँ CH3 है, तो क्या मिलेगा आपका, ये CH3Cl, आपका क्या बना, 100% प्योर मिथाइल क्लोराइड। बात क्लियर है, जैसा आप अल्कोहल रखिएगा वैसा आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। मान के चलिए हमने एक ऐसा कंपाउंड रखा, कौन सा जरा चेक करो, ये टर्शियरी
ब्यूटाइल अल्कोहल रखा, थायोनिल क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया, किसके उपस्थिति में? पाइरीडीन बेस की उपस्थिति में। रिएक्शन में जैसा आपने कार्बन का चेन लिया है वैसा ही आप कार्बन का चेन ले लीजिए यहाँ भी, और OH की जगह केवल क्लोरीन रख दीजिए, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रखिए और उसके बाद HCl गैस रखिए, फिर से आपको यहाँ 100% प्योर, क्या 100% प्योर, क्या टर्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का निर्माण होगा। बात क्लियर हुई? तो ये है अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन, जिसको हम लोग डार्जेन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या? डार्जेन्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड बनाया जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो आप इसको नोट करिए। ये आखिर रिएक्शन तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, HCl बनेगा, ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन और SO दोनों आपस में मिलकर के SO2 बनाएगा, फिर गैस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जब ये दोनों गैस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा केवल RCl बचेगा, इसलिए 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड बना। लेकिन आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाया है, चलिए उसकी बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो चलिए अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब हमारा है डार्जेन प्रोसेस का मैकेनिज्म, ध्यान से देखना। हमने केमिकल रिएक्शन क्या लिया था, ये ROH SOCl2 क्या रखा था, यहां पाइरीडीन बेस रखा था। पाइरीडीन को हमने ऐसे बनाया था, आपको याद होगा, ये यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अच्छा। और फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, RCl SO2 गैस और फिर HCl गैस, यही प्रोडक्ट बना था। अब इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। देखिए, ये है अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, और ये है आपका SOCl2। तो क्या SOCl2 को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl, ठीक है। यहां देखिएगा, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो यहां पार्शियल पॉजिटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के पास अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी लोन पेयर मौजूद है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, ये इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जरा ध्यान देना क्या बनता है, बनता है R, देखना जरा, R O ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर तो डोनेट कर दिया है, डोनेट कर दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अच्छा। और इससे क्या जुड़ेगा भाई, इससे जुड़ेगा सल्फर, तो एक काम करते हैं, पहले सल्फर को जोड़ लेते हैं, इधर है हाइड्रोजन, सल्फर को यहाँ जोड़ लेते हैं, अच्छा। क्लोरीन कितने हैं, एक, और ये एक, तो ये आपका क्लोरीन इधर और ये क्लोरीन इधर, अच्छा। ऑक्सीजन चूंकि ऊपर था, अब उसको थोड़ा नीचे लेके चले आते हैं, क्योंकि जगह है नहीं, इधर बनाएंगे तो दिक्कत होगा, अच्छा। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं, ऊपर गए हैं तो ऑक्सीजन एटम और उसके बाद नेगेटिव चार्ज, ये बात क्लियर है। अब देखिए, ऑक्सीजन एटम के पास क्या है भाई, ऑक्सीजन एटम के पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि तीन बॉन्ड बनाया है, अमूमन बनाता कितना है, दो ही, यहाँ लोन पेयर रहेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ ऑक्सीजन एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाईली अनस्टेबल होता है, और ये चाहता है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो गया है वो वापस हम लेकर के स्टेबल हो जाए, तो हाइड्रोजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ से सल्फर, ध्यान देना, सल्फर से जो क्लोरीन अटैच है, इसमें से कोई एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले करके बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है तो क्या बनता है, जरा ध्यान से देखना, ये H,
पॉजिटिव और ये Cl माइनस, जरा चेक करना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, तो दे के जाएगा तो पॉजिटिव और लेके जाएगा तो नेगेटिव, ये HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या होगा, यहां से जैसे ही जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखना जरा, ये R, फिर ये O, अच्छा नीचे क्या है सल्फर और इधर क्या है क्लोरीन और नीचे है ऑक्सीजन। अब देखना ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है, सल्फर और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड क्लीव हुआ, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लेकर के गए तो सल्फर की वैलेंसी कम हो गई, तो पुनः जो ऑक्सीजन एटम के पास ये नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज पुनः ये यहां चला आता है, और जैसे ही चला आता है तो फिर सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, और इसके बाद ये क्या बचा, आर ओ, ठीक है, और फिर से लोन पेयर वापस यहां चला आता है। अब उसको ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, यहां ध्यान देना, अब क्या होता है, ये आर ओ चूंकि दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, सल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, सल्फर ऑक्सीजन और ये क्लोरीन। अब जरा ध्यान देना, अब इसके बाद आता है कौन, पाइरिडीन, कौन आता है पाइरिडीन, जो आपने यहां पाइरिडीन लिया था, तो ये पाइरिडीन आया, कितने बॉन्ड बनाए भाई, नाइट्रोजन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड, यहां यहां ये पाइरिडीन, चूंकि लोन पेयर रखता है, और यहां देखिए फिर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींचता है, यहां आता है पार्शियल पॉजिटिव, यहां आता है पार्शियल नेगेटिव, तो फिर क्या करता है, ये नाइट्रोजन पाइरिडीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पुश करता है, देता है, और जैसे ही देता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर से चेक करना, आर ओ क्या बनता है, आर ओ पॉजिटिव लोन पेयर, अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन एटम यहां से फिर से ऊपर गया तो यहां नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देख लेना भाई, जगह थोड़ा कम है ना, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर गया, अच्छा यहां पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर जब डोनेट किया तो एक बात बताओ, जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया तो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन और ये आपका पाइरिडीन का स्ट्रक्चर, अच्छा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए यानी लोन पेयर डोनेट किए तो इसका मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां आएगा क्लोरीन। क्लियर है? अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की जरूरत क्यों है भाई, इसलिए जरूरत है क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा अब लेंदी हो रहा है। यहां देखिएगा ये एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, आप क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा अब जरा चेक करना, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां सल्फर से जो क्लोरीन एटम है जो जुड़ा है, सल्फर से जो क्लोरीन एटम जुड़ा है, आप जानते हैं कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर जाता है, बाहर तो जाने की कोशिश तो करता है लेकिन बाहर जाता नहीं है, Cl- के फॉर्म में अभी वहीं रहता है। अच्छा अब वहीं रहता है तो एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ना थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, आप यहां ट्रांजिशन स्टेट लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे ही बाहर जाता है तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर के सपोर्ट में खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है, तो कौन सा ऑक्सीजन, यहां वाला ऑक्सीजन होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इधर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर पाई बॉन्ड के फॉर्म में बनाना शुरू करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देना शुरू करते हैं, पाई बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, तो अब आपका प्रोडक्ट यहां हम लिखते हैं क्योंकि उधर जगह कम है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आता है तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, अब देता है तो यहां पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो अब जैसे पार्शियल पॉजिटिव आता है तो ये क्लोरीन, देखना ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर है तो ये
और ये लोन पेयर हो गया। अब ये क्लोरीन सामने से अटैक नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला एसपीसी है, यहाँ लोन पेयर है। अगर सामने से आएगा भाई रिपल्सन होगा, रिपल्सन ना होने के कारण, नहीं होने के वजह से ये क्या करता है, पीछे से आता है, इधर से पीछे से आता है और यहाँ आकर के अटैच होता है। तो जरा चेक करना, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला था ये सी एल माइनस के फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास डबल बॉन्ड आया, ठीक है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये पुनः अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है और पाइरिडीन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हम प्रोडक्ट अब लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या निकला था, सी एल माइनस, यहाँ वापस आया पीछे से, क्यों? क्योंकि सामने से आता तो यहाँ लोन पेयर है, रिपल्सन हो जाता। अगर पीछे से आया तो कौन सा मैकेनिज्म होता है भाई, SN2, कौन सा SN2, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अच्छा, तो ये S डबल बॉन्ड O और फिर ये O, अच्छा, और उसके बाद क्या, RCl। तो सबसे पहले हम RCl लिख देते हैं, RCl और उसके बाद S, ये डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और फिर क्या, डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये क्या, SO, SO। और चूंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये फिर डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या, SO2, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं SO2, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रोजन ने पुनः खींच लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बना दिया क्या, ये बना दिया क्या, पाइरिडीन, जो आपने यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में आपने पाइरिडीन बेस रखा था, ये पुनः आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में वापस भी मिल गया। तो ये आपका पाइरिडीन भी वापस मिल गया, बात क्लियर है। तो ये है पाइरिडीन बेस, पाइरिडीन बेस, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये अल्काइल क्लोराइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड किस स्टेट में, गैसीय स्टेट में, तो ये अल्काइल क्लोराइड आपको प्राप्त हुआ, जो 100% क्या होता है, प्योर होता है। इस प्रोसेस में एक और सब्सटेंस बन रहा था HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ देखिए ये HCl यहाँ निकला हुआ है, बात क्लियर होती है। तो एकदम ध्यान से मैकेनिज्म एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे हमने आपको समझाया है। इसमें हमेशा SN2 मैकेनिज्म होता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, अच्छा, और इसमें 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को डार्जेन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, बात क्लियर हुई। तो चलिए आप इसको नोट करिए और इसके बाद अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि इस चैनल पे बहुत अच्छे से मैकेनिज्म के साथ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कराया जा रहा है, जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।